हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज मोड़ी में चेन लगाना सीखेंगे। तो ये हमने 8 इंची रख छोड़ के इसको सिला दिया है मोड़ी को। यहाँ से देख लीजिए, ये 8 इंची का लंबाई रखा है टोटल, और थोड़ा दूर तक दोनों साइड में इंटरलॉक लगा दिया है। इंटरलॉक लगाने के बाद में ये छोटा वाला पट्टी है जो अंदर लगेगा, इसका जो लंबाई है 7.5 इंची रखा है, और ये नीचे का जो चौड़ाई है 2.5 इंची रखा है, और ऊपर वाला चौड़ाई 1.25 इंची रखा है। तो कैसे चेन लगेगा दोस्तों, चलिए सीख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों जिपर लेंगे। जिपर लेने के बाद में ये जो पट्टी है इसका जो उल्टा वाला जो मुड़ा हुआ उसको नीचे रखेंगे, सीधा वाला ऊपर रखेंगे। इसको ऐसे जिपर रख के पहले जिपर को सेट करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर रख के इसको हम यहाँ पर कच्चा करेंगे। एक चाप का मार्जिन लेके साइड साइड में सिलाई से कच्चा कर लेंगे। इसको ऐसे बैठा के अच्छा से इसको सिलाई से कच्चा करेंगे। यहाँ पे भी बराबर करके बैठा लेंगे, बैठा के इसको कच्चा कर लेंगे दोस्तों। ये कच्चा होने के बाद में अब इसको हम बॉडी में कैसे कच्चा करेंगे वो मैं अब दिखाता हूँ आपको। इसको ऐसे खोल लेंगे सीधा की तरफ, और एक चाप का मार्जिन पकड़ के इसको ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ के इसे बैठा के ये जिपर का नीचे से का जो पॉइंट है लॉक है वहाँ तक इसको अच्छा से सेट करके इसके ऊपर से इसको भी एक चाप सिलाई से इसमें अटैच करेंगे। अच्छा से बैठा के जिपर ब्रूस हटा के एक चाप का मार्जिन लेके इसको कच्चा करेंगे। यहाँ पे लेके घुमा लेंगे आराम से, यहाँ पे एक चाप सिलाई से कच्चा करेंगे, और दूसरे साइड को भी अच्छा से कपड़े को बैठा के ये देख लीजिए एक चाप का मार्जिन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं मार्जिन होना चाहिए। इसको ऐसे बैठा के इसको कच्चा कर लेंगे। अब ये कच्चा करने के बाद दोस्तों मैं अब साइड इसका डाल के मैं दिखाऊँगा कैसा होता है। ये देख लीजिए बने बाद ऐसा होगा, जिपर डालने के बाद ऐसा होगा, खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसको ऐसे मोड़ना है तो पहले ये दूसरा साइड का मैं सिला लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसे मोड़ना है। तो हमने दूसरा साइड सिला लिया दोस्तों, अब भाई इसको सिलाई इसको मोड़ना है। यहाँ से इसको अच्छा से बैठा के कपड़ा को जितना हमने पहले जो जिसमें जिपर डाला था जितना मुड़ा हुआ चौड़ाई उतना ही चौड़ाई लेते हुए इसको मोड़ेंगे हम। आराम से मोड़ते हुए लेके आएंगे, टक लगा देंगे वहाँ पे, कपड़े को अच्छा से सेट कर लेंगे, मार्जिन बिल्कुल बराबर लेंगे तो 13 में रहना हो, और इसको सिला देंगे। जिपर के पास भी अच्छा से बैठा के सेट करके इसको सिला लेंगे। दोस्तों बनने के बाद दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा दिखेगा ये, तो आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट बार मेरे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो ये हमारा सिलाई लग के तैयार हो गया दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा ये दिख रहा है। तो ये देख लीजिए अंदर बाहर से भी पूरा फिनिशिंग से इतना आसानी से जिपर लग गया। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक लेकर। जब तक अपना ख्याल रखिए।